नमस्तु ब्रह्म, नमस्तु ब्रह्म, नमामहं वंशाहुत्र। हे आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे मनोहर भाई, आप सभी को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नारी वैद्य कार्यक्रम। आप जानते हैं चिकित्सा शास्त्र में चिकित्सा करने से पहले शरीर को तैयार करने के लिए जो कर्म किया जाता है आयुर्वेद में उसको पंचकर्म कहते हैं, और इस पंचकर्म के द्वारा करने के पश्चात जो चिकित्सा की जाती है रोगों पर विशेष महत्व और बहुत ही जल्दी रोगों को ठीक करता है। जैसे डिप्रेशन के रोग हैं बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, पैरालाइज के रोग हैं जिसमें बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, पेट की आपकी आंतें खराब हैं वो रोग बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, और जिन लोगों को पुराने से गठिया उसमें भी पंचकर्मा का बहुत बड़ा महत्व है। और पंचकर्म में कर्म है अग्नि कर्म, और इस अग्नि कर्म के द्वारा तो वे रोगी जिनके पैरों में डील जिसको हो जाती है, जिसको गांठे सी हो जाती है, चला नहीं जाता है, अक्सर एलोपैथी वाले वहाँ ऑपरेशन करते हैं और वो बार बार बदती रहती है, और वहाँ ऑपरेशन पर कई बार उसमें इन्फेक्शन का डर होता है, लेकिन पंचकर्म के इस अग्नि कर्म के द्वारा जब हम इसको ठीक करते हैं कोई इस तरह का इन्फेक्शन का कोई डर नहीं होता और सदा के लिए ठीक हो जाता है, दोबारा ये नहीं बनती है। आप पंचकर्मा का आनंद लेने के लिए, पंचकर्मा के द्वारा अपने शरीर को ठीक कराने के लिए हमारे बहुत अच्छे सेंटर है नारी वैद्य कार्यक्रम तक में अवश्य आइए और शरीर का लाभ प्राप्त कीजिए। ये देखिए जब चटका लगे जब बताइएगा। मुन वो ले जल्दी व्हाइट वाला पाउडर ले, वो लगा चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, जब झटका लगे दर्द होए तभी बता देना। व्हाइट वाला गच्छामि पुनर्मिलनाय, जा रहा हूँ दोबारा मिलने के लिए इन्हीं भाव के साथ कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय भारत, जय भारत।